कह तो देते हैं हम कि फॉलो योर पैशन, यानी कि जो आपको पसंद है, जो आपका पैशन है, उसी को फॉलो करो और वही करो। ठीक है, कह दिया, लेकिन ये जितना कहना आसान है उससे ज़्यादा, यानी कि डबल ट्रिपल और मैं कहूँगा कि 4 times ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। एक तरफ जहाँ जो सब चल रहे हैं, भीड़ में चलते चले गए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन जहाँ पैशन फॉलो करने की बात आती है तो एक पर्टिकुलर रहता है, मेहनत 4 गुना ज़्यादा करनी पड़ती है। हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। यार, अगर पैशन को फॉलो करना है ना, और जो आपका पैशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है, और कम से कम ये मान के चलिए कि 1 गुना 2 गुना, यानी कि 2 गुना 3 गुना भी नहीं, बल्कि 4 गुना ज़्यादा मेहनत लगती है, 4 गुना ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, 4 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। किसका? समय का, आपकी स्किल्स को फाइन करने का, आपकी स्किल्स जो चीज़ हैं उनको डेवलप करने का और ज़्यादा अपग्रेडेड करने का, क्योंकि जो चीज़ चल रही है भीड़ में बहुत आसान है वो चीज़ करना, और चल रही है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा जब चल रही है ना। दुनिया में सब लोग जॉब कर रहे हैं, काफ़ी लोग जॉब कर रहे हैं, और नहीं भी हो रहा तो किसी न किसी तरह के जॉब सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में कोई स्किल है, अगर आपको उसको फॉलो करना है और उसी से आप कल के दिन में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो इनकम के परिपेक्ष में हो, या फिर नाम के परिपेक्ष में हो, या फिर आपकी अलग पहचान के परिपेक्ष में हो, तो वहाँ ज़रूरत होती है उस पर टाइम इन्वेस्ट करने की। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं उस चीज़ को, उसके लिए कितना पागलपन है आप में, कितना जुनून है आप में, कितना हम उसको अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड भी कर रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं उस स्किल को। ये नहीं कि मुझे आता है तो बस हो गया इतने, नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ नया निकलता है दुनिया में। वो नया आपके, आपका जो स्किल है, जो हमारा स्किल है, वहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है, वो कहाँ पर फिट बैठ सकता है, और उसको लेके हमारे स्किल में क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, हमारे स्किल में क्या अपग्रेडेशन हो सकता है और क्या अपडेट्स हो सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जब हम इतनी चीज़ों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब इतनी भट्टियों से निकल के, इतनी भट्टियों की तपस से निकल के जब हम आने को तैयार हो जाते हैं, तब वो सेंटेंस, एक जो फ्रेज है कि फॉलो योर पैशन, है ना, तब वो जाके कहीं पे सार्थक होता है, और सार्थक ही नहीं होता तब वो सफल भी होता है। तब जाकर वो एक जो सक्सेस मिलती है अपने पैशन को फॉलो करने में, वो तब जाकर मिलती है, उससे पहले तो कुछ भी नहीं। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ कंप्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट होता है, कहीं पे हम करते हैं, कहीं पे सामने वाला करता है, और फिर ज़िंदगी चलते रहती है यूं ही, मानो जैसे शरीर है, सांसें चल रही हैं, लेकिन कुछ अलग करना है, कुछ हटकर करना है, या आप में कोई हुनर है उसके बेस पे अगर आपको बहुत आगे निकलना है, अपने हुनर को दुनिया के बीच में दिखाना है, या दुनिया के सामने अगर आपको वो उसका प्रदर्शन करना है, आपको लोग जाने उस हुनर के माध्यम से, और आपको चाहे वो सोर्स ऑफ इनकम हो, या फिर चाहे आपका यश हो, वो चारों तरफ फैले, ऐसा अगर आप मानते हैं, तो फिर आपको उसको उतना ही अपडेटेड रखना होगा, उतना ही उसको अपग्रेड करने में उस पर काम करना होगा। क्योंकि जब तक अपग्रेड नहीं होगा, जब तक अपडेट नहीं होगा, तब तक आप ये मानिए कि फिर से हम उसी भीड़ में चल रहे हैं। लेकिन जब पैशन के साथ जुनून और जो पागलपन है उसको लेकर जब हम काम करते हैं, और जो जो हमारा पैशन है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, इन सब चीज़ों को लेके जब उसमें वो पागलपन और वो लगाव हम दिखाते हैं, तब जाकर हमारा पैशन एक रास्ता बनाता है जो हमें लेकर जाता है सीधे सक्सेस की तरफ, जो हमें लेकर जाता है सेटिस्फैक्शन की तरफ। सक्सेस के साथ सेटिस्फैक्शन भी होना वो बहुत ज़रूरी है, वो हमें संतोष की तरफ लेके जाता है, जिसको करने के बाद हमें खुद को खुशी होती है, और हम खुद महसूस करते हैं उस खुशी को, और हम सोचते हैं वाह यार मज़ा आ गया, जो कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ, बस मज़ा आ रहा है करने में, मज़ा आ रहा है इस काम को, क्योंकि उसका एंड नहीं होता कभी भी, पैशन कभी ख़त्म नहीं होता, वो भूख फिर भी उतनी रहती है। आपको सक्सेस मिल भी गई और वो भूख फिर भी उतनी है, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं, खुद को तपा रहे हैं उस चीज़ में, तपिस में तपा रहे हैं, और अब खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं उस अपने पैशन को लेकर, उस हुनर में खुद को अपडेट कर रहे हैं, तो कहाँ ख़त्म होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको संतोष सेटिस्फैक्शन के साथ साथ मज़ा आ रहा होता है उसको करने में, तो वो फिर निरंतर चलता रहता है। So if you want to follow your passion, be ready to work 4 times more than
दैट फॉलोइंग अ जनरल थिंग, राइट। सो आप सभी अगर अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो कमर कस लीजिए, और कमर कस कर ही आप 4 गुना ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हो जाइए, तभी जाकर पैशन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब ये कर लेंगे मज़ा आएगा और आपको उतना ही आनंद आएगा उस काम को करने में, उस जगह मैं रहने में बहुत मजा आएगा आपको। करके देखिए जरा।